सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, घर के आंगन को दोनों की जरूरत है। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। आज का पंचांग 12 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 11:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:20 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 12 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, अभी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। कोई मुद्दा आपको परेशान करेगा, जैसे कोई सेहत से जुड़ा या कोई रहस्यमय जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टरों और बुजुर्गों से सलाह लें। अपने सपनों को रिकॉर्ड करें और देखें कि आपकी अवचेतन क्या बताती है। अनौपचारिक प्रेम प्रसंग से बचें। आज आपके विचार घर के मामलों की तरफ ही घूमेंगे। सुखद महसूस करने के लिए पुरानी यादों और भावनाओं पर एक नज़र डालें। भविष्य के लिए एक ठोस और स्थानीय नींव बनाने के बारे में सोचेंगे और दीर्घकालीन योजना बनाएंगे। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने व्यस्त कार्य शैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। आर्थिक जीवन की स्थिति आज अच्छी नहीं कही जा सकती। आज आपको बचत करने में मुश्किलें आ सकती है। घर बदलने के लिए बढ़िया दिन है। आप जहां हैं वहीं रहेंगे। बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। अगर आप यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। छात्रों के दिमाग में आज प्यार का बुखार छा सकता है और इस वजह से उनका काफी समय बर्बाद हो सकता है। संभावना है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव और बढ़ सकता है। इससे बचाव न करने की स्थिति में इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सितारों का साथ मिल सकता है। अपनी दिनचर्या और काम करने के तरीकों को सुधारें। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। लोगों के द्वारा बोली गई बातों के कारण आपके मन में डर उत्पन्न हो सकता है। अपने व्यक्तित्व की खामियों पर काम करने की आवश्यकता होगी। सेहत पर ध्यान दें। जिस प्रकार से सेहत में बदलाव नजर आएगा, उस प्रकार से आपकी सोच भी बदल सकती है। एक समय में केवल एक ही काम पर फोकस करने की कोशिश करें। नियम कायदे से जुड़ा हुआ कोई काम रुकने की वजह से व्यापारी वर्ग को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की पुरानी बातें सामने आएगी। घबराहट भी हो सकती है। आज कई क्षेत्रों में सकारात्मक विकास भी होगा। महत्वाकांक्षी उपक्रमों में निवेश करके आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय विस्तार की योजनाएं बनाई जाएगी और यदि बैंक से ऋण लेने की इच्छा है तो वह भी पूरी होगी। सावधानियां, किसी योजना पर काम करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। अपनी योजनाओं और गतिविधियों को किसी से शेयर ना करें। थोड़ा स्वार्थी बनना जरूरी है। दूसरों की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी और परिवार वालों से पूरी मदद मिलेगी। आपसी संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
आपका कोई नया दोस्त या परिचित बन सकता है जिससे आपको प्यार के गहरे अर्थ का पता चलेगा और आप सच्चे और बनावटी प्यार में अंतर महसूस और आप बनावटी प्यार और सच्चे संबंध में अंतर समझ पाएंगी। इन सारी चीजों से आपको अपने लिए सही व्यक्ति का चुनाव करने में भी मदद मिलेगी। आप मिलने वाले हर आदमी से अच्छा व्यवहार करें। काम में व्यस्त रहने के कारण आप अपने जीवन साथी को कम समय दे पा रही हैं। इसे जुदाई का भय सता सकता है। अपने इस बुरे ड्रीम से बचने के लिए साथी से खुलकर बातें करें। यौन सुख और अंतरंगता आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। घरेलू मामले आज आपकी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर हैं। अब आप अपनी लव लाइफ की नींव को और भी मजबूत करना चाहेंगी। कुछ समय निकालकर अपने भविष्य के बारे में भी सोच सकती हैं। याद रखें कि हमारे सुख दुख का एक बड़ा हिस्सा हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। बात करती है करियर की। अभी आप शमन स्पेशल से अलगाव या धन के नुकसान के कारण चिंतित हो सकते हैं। करियर में परिवर्तन आपके जीवन में नया बदलाव लाएगा जिससे आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे। विदेशी संपर्क से आपको नए विकल्प मिलेंगे। दूसरों पर निर्भर न रहें और अपनी किस्मत खुद बनाएं। अपने कार्यस्थल पर आपने जो पहचान बनाई है इससे आपका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है। आपकी विशेषज्ञता आपको आपके कार्य स्थल में एक विशिष्ट स्थान और प्रतिष्ठा देगी। आप प्रगति, उपलब्धि और विलासिता का अनुभव कर सकते हैं। अवसरों का सही उपयोग करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा समय है। उपलब्धियों वाला समय है। मेहनत और ताकत से काम करें। बिजनेस करने वाले किसी पड़ोसी से झगड़े जैसे हालात बन सकते हैं। इसे अपने गुस्से पर काबू रखना भी जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। मौसमी बीमारियों से खुद का बचाव करें। जुखाम, खांसी और एलर्जी की आशंका है। आज अपनी सेहत का विशेष निरीक्षण करें। आप पिछले कुछ समय से कई जरूरी मिनरल और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं ले रही हैं। इससे वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान ही पहुँचाया है, चाहे आपको इसका पता भी ना चला हो। आज आप महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए जा सकती हैं। इसके परिणाम को चेतावनी के तौर पर लें और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हैं, लेकिन यह सच नहीं है। आज का उपाय। आज आप गणेश भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।